लमसिंग यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ आपको देसी उपटन या घर पे बना हुआ उपटन, इसे हम इजीली तरीके से कैसे बना सकते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम देसी उपटन बनाने में, जो मैंने उपटन बनाया है उसमें मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है ये मसूर दाल और रोज़ का पाउडर। ये मैंने रोज़ के पंखुड़ियों को सुखा के और उनका पाउडर बना लिया है। ये पाउडर जो हमारा है ये बहुत महीन नहीं है, बिल्कुल बारीक नहीं है, ये हल्का खुरदुरा है, जो कि जब हम इसे अपने बॉडी पे रब करेंगे तो इसे एक अच्छे स्क्रबिंग हो जाएगी, जिससे कि हमारे जितने भी टैन वो बाहर हो जाएंगे। और ये मैंने लिया है संतरे का छिलका, इसे भी मैंने धूप में सुखा के और इसका पाउडर बना लिया है। मैंने कोई भी पेस्ट बारीक नहीं किया है पाउडर को। फिर मैंने लिया है रॉ मिल्क। चलिए इन सभी को मैं बना के एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करती हूँ। एक क्लीन सा बोल लेंगे और इसमें हम जो मेरा ये रॉ मिल्क है इसमें हम ऐड करेंगे। आप अपने ज़रूरत के अनुसार ले सकती हैं दूध, आपको जितनी भी ज़रूरत हो। और इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे जो हमारा गुलाब कप और मसूर दाल का पाउडर है, इसे हम इसमें 4 स्पून मैंने लिया है। अगर आप कम या ज़्यादा अपने ज़रूरत के अनुसार कर सकती हैं। और इसे हम 4 स्पून लेंगे। अब इसमें मैं मिलाऊंगी आपको संतरे का पाउडर, जिसे मैंने संतरे के छिलके को मैंने धूप छाया में सुखा के और इसका पाउडर बना लिया है। और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये पेस्ट बहुत ही अच्छा है हमारे फेस के लिए, हमारे बॉडी के लिए। अगर आपकी धूप में त्वचा सांवली हो गई है तो ये उससे बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये देखिए मैंने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है, बहुत थिक या बहुत थिन पेस्ट तैयार नहीं करेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। और गुलाब की पंखुड़ियाँ इसमें साफ दिख रही है पिंक कलर की, जो बहुत ही अच्छा है। ये फेस पे और बॉडी पे लगाने से जो आपके टैन और धूप में जो त्वचा झुलस गई रहती है, गर्मियों में तो आपको पता है हमें किसी ना किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, यदि अगर आप जॉब कर रही हैं तो फिर तो डेली की रूटीन है। तो चलिए इसे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी अपने हाथों पे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। इसे हम थोड़ा सा पेस्ट लेके अपने हैंड पे अप्लाई करेंगे, हल्के हाथों से धीरे धीरे इसे धीरे धीरे रब करेंगे, क्योंकि ये पेस्ट जब जितना भी पाउडर मैंने इसमें मिक्स किया है वो खुरदुरा है, मैंने आपको बताया। और इसे जब हम रब करेंगे तो अच्छी तरह स्क्रबिंग हो जाएगी हमारी बॉडी की, और स्क्रबिंग से जो हमारे टैन जमे रहते हैं, जो हमारी जो डलनेस स्किन हो गई है और सांवलापन आ गया है कि स्किन में, जो कि हम धूप में जाने से वो होगा ही होगा, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी है अभी और धूप भी काफ़ी तेज़ है, जिससे हमारी त्वचा जो है, जो हमारी बॉडी बिल्कुल झुलस जाती है जब हम बाहर से घर में इन करते हैं। तो ये उपटन आपके लिए बहुत ही अच्छा है अगर आप इसे यूज़ करती हैं। अगर आप डेली इसे यूज़ नहीं कर सकती हैं तो आप इसे सप्ताह में 2 या 3 टाइम यूज़ अगर करती हैं तो इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आप चाहें तो नाइट के टाइम में, ओनली नाइट टाइम, तो इस जो पेस्ट हमारा है इसे आप अपने फेस पे अप्लाई करके और 15-20 मिनट अपने फेस पे अच्छी तरह इसे सुखा लीजिए। और जब ये आपके फेस पे सूख जाए तो आप इसे थोड़ा सा रोज़ वाटर से गीला करके और इसे हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पे इसे धीरे धीरे रब कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके फेस पे टैन जमी है, झुर्रियाँ हो गई हैं या डार्क स्पॉट हो गए हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे और आपकी त्वचा बिल्कुल खिल उठेगी। इस तरह मैं धीरे धीरे रब करूंगी। अब इसे मैं धो के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैं 10 मिनट्स हो गए हैं मुझे और ये अच्छी तरह सूख गया है। अब इसे मैं आपको क्लीन करके अपने हैंड को दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने अपने हैंड को क्लीन कर लिया है, आप साफ फर्क देख सकते हैं कि मेरा हैंड बिल्कुल पिंक दिख रहा है, क्योंकि जो इसमें गुलाब और मैंने कच्चा दूध लिया है और इसमें मसूर दाल लिया है, वो बहुत ही अच्छा है हमारे स्किन के लिए। अगर आपकी त्वचा सांवली हो गई है तो आप अगर इसे डेली यूज़ करती हैं और अच्छी तरह से यूज़ करती हैं और तो ये आपकी जो त्वचा है उसकी रंग बिल्कुल फेयर हो जाएगी और साथ में ही एक अद्भुत सा ग्लो आएगा आपकी स्किन पर, आपकी बॉडी पर।
और बहुत ही स्मूथ सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपका स्किन लगेगा ये चीज़ यूज़ करने से, बहुत ही अच्छा होगा ये अगर आप अपने फेस पे डेली यूज़ करती हैं, अगर आप अपने बॉडी पे यूज़ करती हैं तो आप इसे डेली यूज़ कीजिए और फिर बताइए आपको कि ये कैसा लगा। अगर आपकी त्वचा बिल्कुल सांवली है तो आप इसे अगर 2 टाइम भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये बताया मैंने आपको देसी उपटन जो बहुत ही अच्छा है हमारे फेस के लिए, हमारी बॉडी के लिए, आपको कैसा लगा।